ये देखिए साया का कटिंग करके बता रहे हैं, 2 मीटर कपड़ा है। इसमें पहले हम ऐसे बेल्ट निकाल देंगे, ऐसे खोलकर इसको मोड़ लेंगे, ज्यादा नहीं 2.5 इंची का ऐसे बेल्ट निकालेंगे। लगा लिए फोल्ड, 3 इंची लगाए क्योंकि थोड़ा सा ऐसे मुड़ जाएगा, मुड़ के ऐसे पट्टी जो लगता है बेल्ट पर ही, तो 3 इंची लगा निकालते हैं। इस तरह से इसको मोड़ दिए, अब इसको काट के निकाल देंगे अलग। ये ऐसे कमर का हो गया बेल्ट, खोलकर इसको डबल कर देंगे। हमने ये डबल कर दिया, अब इससे पहले हम डोरी निकाल लेंगे जो बेल्ट में से लगता है, तो हम 1 इंची की निकाल लेंगे। लगा देंगे मार्कर, सब्जी है नारा निकाल लिए। फोल्ड कर देंगे, 4 पल्ला हो जाएगा। बराबर से हम इसे 4 पल्ला कर दिए। अब इधर है जो खुला है चारों, और इधर है बंद है, अपने पास देने बंद को हम रखें। इसको फिर हम ऐसे तिरछा करके मोड़ देंगे, और बेल्ट को हम नाप लेंगे। बेल्ट हो जाता है 17.5 है, 17.5 दूनी 35 इंची हो जाता है। 35 इंची हम कमर रखेंगे, इधर तो खुला है, इधर हमने इसे 5 इंची रख दिए हैं, तो 5 इंची रखे हैं, तो 4 पल्ला है, 5 चौके ऐसे 20 हो जाता है ये ना। 5 इंची यहाँ ऐसे मार्जिन इधर जो सिलाई के जाएगा वो हमने इधर छोड़ दिया 1/2 इंची, उसके बाद 5 इंची रख दिया। इधर 20 इंची हो गया, अब इधर 20 है, तो हमें ऐसे 15 इंची और चाहिए, क्योंकि 35 इंची का ये बेल्ट है जो, तो हमने इसे 15 इंची इधर से निकालेंगे। इधर भी ऐसे 1/2 इंची हम सिलाई में जो जाएगा वो रख देंगे, क्योंकि इधर बंद है, तो इधर भी हम ले रहे थे ऐसे 4 पल्ला इधर भी निकलेगा, तो अगर हम 4 × 8 × 16 इंची हो जाता है, तो इधर से हम 4 इंची पर ऐसे मोड़ लिए, तो 4 इंची इधर 5 इंची रहेगा, जिधर खुला है उधर 5 इंची रहना चाहिए, इसलिए इधर 5 इंची है। इधर फिर जो ऐसे डोरी समाते हैं तो इधर 2 भाग में इसे मुड़ जाता है, इसलिए इधर 1/2 इंची ज्यादा लिए हैं। अब इसको हम इस ढंग में बैठा दिए हैं, फोल्डर लगा दिए हैं, अब इसको हम कटिंग करके निकाल देंगे। ये कट गया है, थोड़ा सा इसमें फिर से इसे फोल्ड लगा लेंगे, और यहाँ तिरछा वाला जो कपड़ा है थोड़ा हमने इसे छाट देंगे। इधर भी थोड़ा सो है, तो यहाँ पर भी हम इसे छाट के निकाल दिए। अब इधर ये भी पल्ला हम निकाल दिए हैं, ये ऐसे 6 पल्ले का साया कटा है। अभी हम इसे खोलकर भी दिखा देंगे, 6 पल्ले ये छट गया है, अभी पूरा गोल हो गया है। हम इसे अब
खोल कर इसे दिखा देते हैं। अरे जो बंद था वो हम इसे कटिंग कर दे रहे हैं। अब इसमें भी है, इसमें थोड़ा सा है यहाँ ऊपर में, इसको हम इसे कट लगा देंगे। अब इसे हम खोल कर दिखा देते हैं। ये जो हो गया दो पल्ला है, क्योंकि ये आगे पीछे रहता है सिलाई वक्त ऐसे ध्यान रख रहा है हम लोग का, एक एक पल्ला आगे पीछे देंगे। अब ये हो गया है, इसमें चार पल्ला है, तो चार पल्ला को हम सेम ऐसे दो पल्ला इधर लगा देंगे, दो पल्ला इधर लगा देंगे, सेम ऐसे यहाँ बेल्ट हम ऐसे बिठा कर इसे देख लेंगे। यहाँ सेम ऐसे बराबर आ गया, और यहाँ पर अब थोड़ा सा जो लग रहा है तो सिलाई पे इसे जाएगा, हाफ हाफ इंच सिलाई पे चढ़ेगा। अब यहाँ पर इतना आ रहा है, फालतू हो रहा है, इसको हमने ऐसे यहाँ से कट लगा देंगे। ये दो छोटा पल्ला में ज्यादा नहीं, 3 इंची पर हम इसे 3 इंची 3.5 इंची पर लगा देंगे, क्योंकि हाफ इंच ये ऊपर बेल्ट में चल जाएगा। इसे हम 3.5 इंची पे बनाए तो 3 इंची पर आ जाएगा। इसे हम थोड़ा सा जो मुड़ेगा उसका हम कट लगा देते हैं। अब ये कट लगा दिए, इसलिए यहाँ पर जो ऐसे मुड़ा जाएगा थोड़ा सा खुला रहेगा, जो बंद समाने साइड देने, ये सेम हमारा बेल्ट के बराबर आ जाएगा। और बिल्कुल इसमें घेरा भी बहुत ज्यादा हो जाता है, 6 कली में अच्छा से बन जाता है। चला, ये साया का कटिंग तैयार हो गया।